बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डार्स किचन। डार्स किचन में आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने लगे हैं वो मकई की मीठी टिक्की होती है। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और फ्रेंड्स से शेयर और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। मकई की मीठी टिक्कियाँ बनाने के लिए जिन चीज़ों की जरूरत है वो आप नोट कर लें। एक कप मकई का आटा, इसमें दो किस्म के आटे आते हैं, एक येलो कलर का एक वाइट, और दूसरा ये बारीक पिसे हुए भी होते हैं, मोटे पिसे हुए। तो मैंने इस वक्त बारीक पिसा हुआ आटा इस्तेमाल किया है और वाइट आटा, और 5 टेबलस्पून चीनी, 1 टेबलस्पून ऑयल, 1/2 टीस्पून सौंफ पिसी हुई और 1 पिंच नमक, 1 अदद अंडा और हसब जरूरत गर्म पानी, क्योंकि मकई का आटा गर्म पानी में बहुत अच्छा घुलता है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें गर्म पानी में चीनी डालते हैं, इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह। पानी में मिक्स हो चुकी है अच्छी तरह, सौंफ और एक चुटकी नमक शामिल कर देंगे। मकई के आटे की रेसिपी मेरे चैनल पर है कि किस तरह गूंदा जाता है आटा। हाथों की तली से इसको अच्छी तरह प्रेस करते हैं। अभी हम इसको मिक्स करके अच्छी तरह इसको हाथ की तली से मिक्स कर लेंगे। गर्म पानी से गूंदने से बड़ा अच्छा आटा बन जाता है। प्लास्टिक का एक शीट दे रहे हैं। जैसे पहले हमने सादी रोटी बनाई थी उसी तरह ये बनानी है, बस ये कि अब इसकी मुख्तलिफ शेप्स की आप छोटी छोटी टिक्कियां बना लें, क्योंकि बच्चे खुश होते हैं कि मुख्तलिफ शेप्स की टिक्कियां मीठी खाने के लिए। थोड़ा सा ऑयल हमने इस पे लगा दिया है,
पैन पे और ये गर्म भी हो चुके हैं, तो अब इसको धनिया भी आँच पे बस आप अच्छी तरह से पकाना। थोड़ी सी हमने डिफरेंट शेप की ये टिक्कियाँ बना दी हैं ताकि बच्चों को इस किस्म की चीज़ें बहुत फैसिनेट करती हैं, तो वो एंजॉय करेंगे इसको खा के। तो आप भी चेंज करके मुख्तलिफ शक्लों की चीज़ें बना के बच्चों को दिया करें। मकई की मीठी टिक्कियाँ तैयार हो चुकी हैं और मेरे किचन में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है, और आप इसको बनाएं और इसको क्रीम के साथ और शहद के साथ खाएं। मैंने बच्चों के लिए अट्रैक्शन पैदा करने के लिए मुख्तलिफ शेप्स की भी बनाई है, जैसे स्टार है, फ्लावर, हार्ट और सर्कल। तो आप भी मुख्तलिफ शेप्स की बना के टिक्कियाँ बच्चों को दें ताकि बच्चे शौक से खाएं, और आप इसको ट्राई करें और मुझे इसका फीडबैक दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। आप इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।